हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बनाएंगे नूडल्स, तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम नूडल्स को उबाल लेंगे। इसमें मैंने एक कप पास्ता भी ऐड किया है। उबालने के बाद इसे एक छन्नी में निकाल लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में तेल डालेंगे, इसमें जीरा ऐड करेंगे, इसमें कटा हुआ हरा मिर्च ऐड करेंगे। अब हम इसमें पत्ता गोभी डालेंगे, आप चाहें तो और भी वेजेस डाल सकते हैं। इस पर नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। पत्ता गोभी अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। साथ में सॉसेस ऐड करेंगे, ग्रीन चिली सॉस, साथ में रेड चिली सॉस डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे लगभग 2 मिनट तक हम पकाएंगे। हमारा मसाला अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे, साथ में हम इसमें टमाटो केचप भी ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से मिला लेंगे। हमारा मसाला अच्छे से पक गया है। आप चाहें तो इसे स्पाइसी बनाने के लिए इसमें मिर्ची ऐड कर सकते हैं, मैंने इसे स्किप किया है। अब हम इसमें नूडल्स ऐड करेंगे जिसे हमने बॉईल कर लिया था। इसे धीरे धीरे ही ऐड करें और हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। आपको अच्छे तरीके से मिलाना है ताकि हमारा मसाला नूडल्स में अच्छे से मिल जाए। हमारे नूडल्स तैयार हैं और इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।